अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन हज़रात, इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है, आज की खूबसूरत मालूमात यह है कि चेहरे पे नूर के लिए कौन सा अमल करे, कौन सा वजीफ़ा करे जिससे चेहरे पे नूर ही नूर झलके। माशाअल्लाह, मर्द हज़रात खावतीन हज़रात से भी गुजारिश है, इस अमल को अगर आप कर लेते हैं तो आपके चेहरे पे नूर की बारिश हो जाएगी। तो वो अमल कौन सी है, इसे समाअत फरमाएं। अब जब भी नमाज पढ़ें, नमाज से फारिग हो जाने के बाद अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इस आयत को 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। तो वो आयत कौन सी है, हो सके तो वीडियो को सेव कर दें या लिख लें किस वजीफे को पढ़ना है। हर नमाज के बाद कुछ वक्त निकाल के आप दुआ से फारिग हो जाने के बाद थोड़े सा ये अमल कर लें तो जिससे आपके चेहरे पे नूर ही नूर दिखने को मिलता है। तो वो अमल क्या है, आप उसे समाअत फरमाएं। अव्वल आके तीन तीन मरतबा दरूद शरीफ पढ़ कर मन में ही मन में बिस्मिल्लाह पढ़ लें। उसके बाद या जामिलू एक मरतबा समाअत फरमाएं, 11 मरतबा पढ़ना है। या जा मी लू या जा मी लू या जा मी लू, इस तरह करके 11 मरतबा आपको हर नमाज पे पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद अपने चेहरे पे दम कर लेना है। इंशाअल्लाह आप कुछ ही दिन में इसका रिजल्ट अच्छा पाएंगे, क्योंकि अल्लाह का कलाम, पाक कलाम सच्चा है। अगर आप यकीन से इसे करते हैं तो आपका इसे फ़ायदा देखने को हासिल मिलेगा। तो अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा प्यारी सी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से लोगों तक ये प्यारा सा अमल पहुंच सके। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, नमाज का आदि बनाए, माँ बाप का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।